सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अभी हम चलते हैं सद्दाम हुसैन सीतापुरी, ऐसा करके एक चैनल है, भाई के चैनल से एक वीडियो अपलोड हुई है इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पर। सो चलते हैं उस पर रिएक्शन देते हैं, एंड देन देखने के बाद ढेर सारी बातें करेंगे। से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, सुन करके करीब से महसूस करके आया हूँ, वो आपके सामने पढ़ता हूँ। सुनिए दोस्तों, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो, इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो, उनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। आपको जान के हैरत होगी, मैंने उस माँ से इतना ही पूछा कि माता जी मुझे ये बताएं कि आखिरी लम्हे में आप जब बच्चे का चेहरा देख पाई थी या नहीं, तो उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा कि कहाँ देखने दिया, धड़ था ही नहीं, जिस्म था ही नहीं, बस वर्दी आई है पलट करके। मैं एक बंद पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। इनको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले। बहुत बहुत दर्द में डूबी हुई बात कह रहा हूं, थोड़ी सी खामोशी मांगता हूं आप, के खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। जो दो मिसरे हैं उस दर्द के एहसास तक पहुंचिएगा, कि खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले, माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले। 25 लाख रुपए दे दो, एक सरकारी नौकरी का ऐलान कर दो, और हुकूमत को लगता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। इमरान साहब,
इमरान साहब एक बड़ा अमल, एक बड़ी मोहब्बत, एक बड़ा इनाम कुदरत का, एक बच्ची अपने हाथों से कुछ बना के आपके लिए लाई है और ये दुआएं उन शहीदों के हवाले से, आपकी मोहब्बत के हवाले से पुरजोर ताली। मंतशा नाम है इस बच्ची का। ये दर्द जो इमरान साहब पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, ये दर्द है हिंदुस्तान का, उन शहीदों का। मुझे याद आ रहा है कि जुल्मते खून से नहीं, हुस्ने यकीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। ए खुदा तू नई नस्लों को मोहब्बत दे दे, वरना ऐलान कयामत भी यहीं से होगा। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले,
सो आपको कैसी लगी शायरी इमरान प्रतापगढ़ी की? इससे पहले भी जो शायरी आपने सुनी होगी, इनफैक्ट बहुत ही इनकलाबी शायर है, जो आज के टाइम पे करंट चीज़ें चल रही है उस सिचुएशन के ऊपर ही वो पढ़ते हैं, ज़्यादा शायरी उनकी होती है, और जिस तरीके से उन्होंने अभी जो अटैक हुआ उसके ऊपर जो पढ़ा है उन्होंने, कमाल का। और मैं इनफैक्ट इनकी जितनी भी शायरी सुनी बहुत अच्छी शायरी रही और बहुत ही पसंद आई मुझे। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। इनफैक्ट जब शायरी सुनो तो ऐसा लगता है सारी चीज़ें मंजर सामने चल रहा हो, बहुत ही इमोशनली शायरी थी जो भी शायर। इनफैक्ट इनके और भी आप सुनो, क्योंकि करंट चीज़ों से रिलेटेड आपकी जब शायरी होगी तो वो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो, तो वैसे ही कुछ था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया होगा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।